एक्चुअली ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट के जब ट्रिब्यूट ये समझ लें कि ट्रिब्यूट जब मैंने स्टाइल का नाम रखा इसके कई एस्पेक्ट हैं, कई कई रीजंस हैं इसकी। एक तो ये कि ट्रिब्यूट इस शहर को जिसमें मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं पला ब्रॉटअप हुआ यहाँ पे मेरा, और ट्रिब्यूट ऑल्सो मेरे पेरेंट्स को भी है, जो कि ये मेरा पहला शो है उनकी एब्सेंस में। अभी उनका रिसेंटली दोनों का जो है इंतकाल हुआ, तो उनको भी एक 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 ट्रिब्यूट पेश करने का ये मेरे दिमाग में चीज़ थी। कराची को छोड़े हुए मुझे समझ लें कि तकरीबन 30 साल होने को आए, और इट ऑलवेज फील लाइक दैट के इट वॉज ईजी फॉर मी टू लेफ्ट द सिटी, बट वेन एवर आई कम बैक आई ऑलवेज फील लाइक सिटी नेवर लेफ्ट मी। सो उसको जब भी आओ यहाँ पे एक बड़ा नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ऐसी वो मुझे बड़ा मतलब मुझे एक तरह से अपने माजी की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एक बचपन गुजारा है, स्कूल का टाइम है। इस पेंटिंग में ज़्यादातर मैंने उन चीज़ों को पेंट किया है जो शायद अब आपको शहर में इतना नज़र ना आए जैसे कि पहले नज़र आया करती थी एक ज़माने में। जो चीज़ें अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ख़त्म होती मैसेज थी कि कराची का हमारा जो ओल्ड कराची है, जिस तरह से वो इसका जो डिक्लाइन है, जिस तरह से वो जा रहा है, और जिस तरह से जो एक एक शहर जो है वो बिल्कुल ही एक कंक्रीट किस्म का जंगल बनता चला जा रहा है यहाँ पे, और जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत हमारी बिल्डिंग है, जो हमारी हिस्ट्री है, मतलब हमारी हिस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। तो एज एन आर्टिस्ट मैं ये समझा कि सोच महसूस करता हूँ कि यार ये कम अज़ कम अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये तो कर सकता हूँ कि उस चीज़ों को प्रिजर्व कर लूँ जो जिससे मेरी भी एक अटैचमेंट है या मेरा भी एक कनेक्शन है। और फिर आने वाली मैं जनरेशन जो है वो देखे इस चीज़ को कि यार ये शहर कभी ये भी ऐसा भी हुआ करता था। 2016 के बाद अब कराची में मेरी एग्जीबिशन हो रही है। ये काफ़ी लंबा गैप है, मुझसे कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन ये कि बल मैं लाहौर में एग्जीबिशन कर रहा था तो नहीं कर पाया। तो ये जो मेरी ट्रिब्यूट एग्जीबिशन है ये आर्ट सीन में आ रही है, और ये 3 तारीख को इसकी आई थिंक फ्राइडे है, इसकी ओपनिंग होगी 6 बजे। तो आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ और देखें, और आप मुझे अपनी राय बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा काम।